हाय एवरीवन, दिस इज चंदन कुमार सिंह एंड वेलकम टू जनरल डिस्कशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू हुआ कल, जो भी हमारा जो वीडियो बना, एक्चुअली हुआ क्या था कि लगभग 55-56 मिनट का पूरा वीडियो हमारा बना था, जो हमारा मोटो था। पूरे फेसबुक को रिलेट किया मैंने, और क्या बोलते हैं गूगल को मैंने पूरे रिलेट किया। बट एवर जितनी भी वहाँ का यूएसए की जो भी कंपनियां थी और इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, तो उस पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था कल। बट थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया, और उस टेक्निकल इशू की वजह से हुआ कि लगभग मैंने देखा कि ओनली 44 मिनट का ही वीडियो अपलोड हुआ है। तो उसका जो कल रिमेनिंग वाला पार्ट रह गया था, उसको अभी हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी कल पीछे वाला जो कुछ पार्ट है उसको थोड़ा सा रिलेट कर दूं, ताकि आप आज से उसको इंटरलिंक कर पाए। उसके लिए थोड़ा सा मैं सॉरी चाहूंगा। और एक और बात थोड़ा सा ये है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा अपना नहीं होता है कि इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप कीजिए। जो भी क्वेरी वगैरह होता है तो थोड़ा सा अगर वहां पर आकर के आप पूछते हैं तो थोड़ा सा नहीं होता है कि एक मोटिवेशन मिलता है अपने अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कल वाला थोड़ा सा इंटरलिंक कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, और कल हमने क्या क्या किया था उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहले मैंने कल एक आप लोगों को एक स्टोरी सुनाया था, दूसरा मैंने बताया था कि नंबर ऑफ कंपनीज जो जितने भी यूएसए के अभी जितने कंपनी है, जैसे फेसबुक हो गया आपका, आपका गूगल हो गया, वॉलमार्ट हो गया आपका, और अमेजन हो गया आपका, और सारी है मतलब सबके बारे में मैंने बताया था कि आपको मतलब ये कितना इन्वेस्ट किया, गूगल कितना करने वाला है आपको, वॉलमार्ट की क्या रोल है फ्लिपकार्ट में, इसको भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया था, और फ्लिपकार्ट जो है रिलायंस में कैसे अपना एक बेटर परफॉर्मेंस शो किया। और इसके कहीं ना कहीं ये भी बात मानते हैं कि लगभग अभी 13-14 कंपनी से ऊपर इसमें नहीं होता है कि जियो में अपना इन्वेस्ट कर चुकी है, और सबसे ज्यादा अगर श्रेय जाता है नेट डेप्ट फ्री का तो फेसबुक को जाता है, कल मैंने आप लोगों को बता दिया था। तीसरा चर्चा हमने ये किया था कि इंडिया की नीड क्या है, इंडिया की नीड क्या है। फिर मैंने बहुत सारी चीजें इसमें बताया था, आई होप शायद आप लोगों को पता हो, एजुकेशन के बारे में मैंने बताया था, डिजिटल इंडिया के बारे में मैंने बताया था। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों के समक्ष इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी आप लोगों को। फिर यहाँ पर इंटरनेट से रिलेटेड क्या रोल होना चाहिए यहाँ पर, मैंने इंडिया के लिए हमारे जो भी यूथ है उसका क्या रोल होना चाहिए, कल मैंने आप समक्ष आप लोगों के समक्ष मैंने उसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले उसको पहले आप देखने का प्रयास करें। उसके बाद चौथा मैंने बताया था कि जो भी है कि जो भी हमारा वर्ल्ड है, एक पूरे वर्ल्ड मैप के तौर पर आपको मैंने बताने का प्रयास किया था कि जो यूएसए की जो कंपनियां हैं यहां पर आने का क्यों प्रयास कर रही है, पूरे मैंने इंटरलिंक किया था। फिर मैंने बताया था आप लोगों को कि जो इंडिया जो है हमारा अभी इंडिया, उसको यूएसए की जो अभी गूगल जो आ रही है कैसे वो फुलफिल करेगी, 5-6 पॉइंट के माध्यम से मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया था। जैसे टीचर ट्रेनिंग को लेकर के मैंने बताया था, उसके बाद मैंने ये भी बताया था गूगल हो गया और प्रसार भारती मिलकर के क्या करेंगे, वो अपना टाई अप बनाएंगे और प्रसार भारती जो होगा एड करेगा, और गूगल जो होगा उसको क्या करते हैं अपने एप्स का एडवर्टाइजमेंट के तौर पर हमारे समक्ष प्रेजेंट करेगा, जो हमारे लिए बेहतर होगा, इसको भी मैंने बताया था आप लोगों को। उसके बाद मैंने बताया था कि कुछ एप्स डेवलप होंगे, उस एप्स को क्या होगा हमारे जो भी रूरल लैंग्वेज है उस रूरल लैंग्वेज में, ताकि जो हमारा यूथ जो है जनरेशन जो है रूरल में होता है कि हर किसी को अंग्रेजी की थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो हो सकता है कि अगर ये चीजें हमारे अंदर आता है तो कहीं ना कहीं ये चीजें हम लोगों को प्रॉफिट दे सकता है। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें मैंने बताया था, मैं नहीं चाहूंगा कि अगर उसमें मैं ज्यादा इन्वॉल्व होता हूँ तो आप लोगों को नहीं होता है कि ये भी वीडियो कॉल के जैसा बड़ा हो जाएगा, जो इस टाइप का कोई मेरा इंटेंशन नहीं है कि बड़ा हो यहाँ पे। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे नेक्स्ट बात करें। देखिए, मैं 2-3 चीजें बताऊंगा, उस चीज को आप इंटरलिंक कर लीजिएगा थोड़ा सा।
चलिए बस इतना से लगभग काम चल जाएगा हमारा कल वाला जो भी है, कल मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखिए कल मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक इसको बोलते हैं चलिए कल जैसे मैंने आपको बता रहा था कि थोड़ा सा उसको ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि जो लास्ट होगा जो समअप करेंगे उसको आसानी से आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको बताया कि जितनी भी कंपनी है यूएसए की, तो आपको मैंने कल बताया था कि यहाँ पर जो यूएसए है हमारा 1789 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और सबसे पहले क्या हुआ, यह फ्रीडम ले लिया। फ्रीडम ले लिया तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जब यहाँ पर यूरोपियन मानते हैं कंट्री है, यहाँ पर यूरोपियन कंट्री, यहीं से अगर आपको ध्यान हो तो शायद लगभग 0 डिग्री यहाँ पर आता है आपका, जिसको टाइम जोन हम कहते हैं, यहीं से आता है यहाँ, इसी के आसपास थोड़ा सा एडजस्टमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, स्पेस नहीं है, तो लगभग इसी के आसपास आपको मिलेगा लंदन, और लंदन से ही हमारी जो टाइम रेखा जो होती है वो गुजरती है यहाँ पे। तो हुआ क्या था, जब यहाँ हुआ तो यहाँ तो ऑलरेडी क्या बोल सकते हैं, औद्योगिक क्रांति हो गई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था, तो यहाँ पर तो टेक्निक की कोई जरूरत ही नहीं थी, लोग ऑलरेडी आगे थे। ताकि आप अगर हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो लगभग आपको पता होगा कि नहीं होता है कि यहीं से लोग जो डेवलप होकर इंडिया में आए, और मतलब इन द सेंस आप कह सकते हैं कि पूरे अपने इंडिया हुआ। और एक वर्ड ये भी यूज किया जाता है कि जो भी यूरोपियन लोग जो थे, एक ऐसा टाइम जो चल रहा था जो 1500 और 1600 ईस्वी के आसपास, कि इन लोगों का सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता है, लगभग इन द सेंस आप समझ लीजिए कि जैसे मानते हैं अर्थ है और यहाँ पर अगर मानते हैं कि ये सन है, सन का प्रकाश यहाँ पर पड़ता है, ऑब्वियसली आप समझ लीजिए, तो इन लोगों का हर सेक्टर में इनका कुछ कोई ना कोई बंदा था ही। तो मानते हैं कि अगर यहाँ पर मॉर्निंग है यहाँ पर, तो यहाँ पर नाइट होगा ऑब्वियसली बात है, तो अगर यहाँ पर अगर कोई सो रहा है तो यहाँ जग रहा है, जब ये पृथ्वी रोटेट करके यहाँ जाएगी तब तक यहाँ लोग जग जाएंगे, यहाँ सो जाएंगे, यहाँ जग जाएंगे, मतलब इन द सेंस आप समझ लीजिए कि एक ऐसा समय चल रहा था उन लोगों के लिए कि कभी जो लोग था, मतलब नहीं कह सकते हैं कि इन लोगों का, इन द सेंस आप समझ लीजिए कि इतना ज्यादा डेवलपमेंट था उस समय के दौर पर कि पूरे व्यापक तौर पे पूरे वर्ल्ड में ये लोग फैले हुए थे, समझ लीजिए। यहाँ तक टेक्नोलॉजी की हम बातें भूल जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद जब यूएसए और कनाडा, जब नहीं होता है कि जब फ्रीडम मिला इनको, तो इन्होंने भी धीरे धीरे इनका कॉपी करना शुरू किया और बेहतर आगे बढ़ गया। इन्हीं से सटा हुआ यहाँ पर साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का कुछ पार्ट थोड़ा सा गरीब है मानते हैं, लेकिन इसमें ब्राजील जैसा भी एक कंट्री है यहाँ पर, आप देखिएगा, जो बहुत नहीं होता है कि एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण में अगर आप अभी जाकर देखिएगा, इंडिया जैसे केन की इंडस्ट्री जैसे अभी गन्ना के क्षेत्र में बहुत बेहतर करता है, तो सबसे आगे अगर देखा जाए केन इंडस्ट्रीज में तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्राजील। बहुत व्यापक तौर पर यहाँ पर नहीं होता है कि खेती होती है और यहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह भी है, लगभग मान के चलिए कि अगर एक आध लगभग इसमें 13 कंट्री है इसमें, तो लगभग कंट्री इसमें जो है लगभग बेटर है, और यहाँ पर भी उतनी टेक्नोलॉजी की ज्यादा नीड नहीं है, और लगभग जो होता है और जितना पर्याप्त मात्रा में चाहिए लगभग यहाँ पर पहुंच चुका है और पहुंच भी रहा है, लेकिन जितना चाहिए, कल जैसे मैंने आपको बताया जितना चाहिए उतना चाहिए यहाँ पर पहुंच चुकी है, और थोड़ा थोड़ा सा इनोवेशन तो होते रहता है, आप समझ रहे हैं कि वो तो लास्ट तक कभी भी जाइएगा तो चीजें 100% कंप्लीट नहीं होती है। तो इसमें क्या चाहिए कि यहाँ थोड़ा सा नीड है, तो ये लोग यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ इसमें भी कुछ आते हैं और अपना इन्वेस्ट करते हैं, अपना टेक्नोलॉजी भी डेवलप करते हैं, लेकिन एक और चीज होता है कि ये तटवर्ती चीज होता है, जैसे आप देखिएगा यहाँ पर अगर मानते हैं इंडिया का अगर मैप बना लीजिए कुछ ऐसा कुछ करके आपको, तो यहाँ पर देखिए पाक है यहाँ पे, यहाँ पे आपको मानते हैं कि बांग्लादेश है यहाँ पे, यहाँ पर आपका श्रीलंका है, ठीक है, यहाँ पर आपका नेपाल है, यहाँ पर है चाइना। क्या आप सोच सकते हैं कि न कभी पाकिस्तान से हमारा रिश्ता बेहतर हो सकता है, न कभी बांग्लादेश से हो सकता है, न चाइना से हो सकता है, न श्रीलंका से हो सकता है। कुछ पल के लिए थोड़ा सा आप डिस्कस करके, वार्तालाप करके, ट्रेड संबंधी मुद्दों पर चर्चा करके हो सकता है कि एक दूसरे को अपने आप में मिला लें, फ्री ट्रेड कर दें कुछ, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलता है, हमेशा कुछ ना कुछ बात विवाद होते रहता है, कभी लैंड का इशू होता है, क्योंकि ये लोग तटवर्ती हैं और तटवर्ती चीजें जो होती है ना 100% होती नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ समस्या चलती रहेगी, तो ये बेहतर नहीं होता है कि आपके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाता है। तो
यही होता है इसके साथ भी। आप देखिएगा जब जितने भी प्रेसिडेंट चेंज होते हैं यूएसए में, उनका हमेशा ट्रेड संबंधित कुछ ना कुछ मैटर आते रहता है। बराक ओबामा के समय में देखिएगा जो पॉलिसी लेकर के आए थे, अभी आप डोनाल्ड ट्रंप को देखिएगा, उसको उन्होंने खारिज कर दिया है। इसके बाद हो सकता है कि दूसरे प्रेसिडेंट बनेंगे, तो जो इनका प्रिंसिपल है क्या बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप का, तो शायद वो ना माने। तो समझ रहे हैं इस चीज को लेकर के थोड़ा सा इशू होता है। तीसरा चीज यहाँ पर आप आ नहीं सकते हैं, मैंने बताया आपको, इन द सेंस समझ लीजिए कि हाँ यूरोपियन में आ नहीं सकते हैं। ये वाला कंट्री है, मैंने कल बताया था, यहाँ कोंगो वाला एरिया है और इस एरिया में लगभग चाइना अपना बहुत सारा पार्ट जो है यहाँ पर डेवलप किया है। और नहीं कह सकते हैं कि लगभग लैंड से लेकर इंडस्ट्रीज से लेकर के और क्या बोलते हैं रिफाइनरी वगैरह में भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है यहाँ पे। तो उसके बाद लेकिन चाइना भी नहीं होता है कि जितना सक्सेस चाहिए हो नहीं रहा है, क्योंकि पूरे जो साउथ अफ्रीका है यहाँ पर बहुत सारा पॉवर्टी है, यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर जैसे ये वाला केन्या वाला जो है, जैसे यहाँ पर इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन कोंगो से होते हुए यहाँ पर केन्या होते हुए यहाँ से 0 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से पास होती है। तो यहाँ पर बोको हराम एक है यहाँ पर संस्था, जैसे आईएसआईएस है, और एक केन्या है। लगभग नहीं होता है कि हमेशा इन लोगों में एक कंट्रोवर्सी चलते रहता है, ये लोग इलीगल वर्क करते रहते हैं, तो नहीं होता है कि एक जो चाहिए डेवलपमेंट नहीं मिल पाता है। तो कभी भी एक साम्राज्य है उसमें अगर डेवलपमेंट का दृष्टिकोण देखा जाए तो उसका 3 स्टेप होता है। थोड़ा सा अगर आप पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले होता है हमारा एग्रीकल्चर। सबसे पहले आप एग्रीकल्चर में आएंगे, अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करेंगे, जब एग्रीकल्चर करना आपको आ जाएगा, थोड़ा सा आपका इकोनॉमी थोड़ा सा डेवलप करेगा, तो उसके बाद आप इंडस्ट्री की तरफ मूव करते हैं, होता है इसमें। फिर इंडस्ट्री, फिर उस टाइप का आपका स्किल जनरेट हो जाता है, अगर आप थोड़ा सा और डेवलप होने लगते हैं तो उसके बाद आपका सर्विस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही चीजें होती है। तो यहाँ पर अभी एग्रीकल्चर ही कहीं कहीं जगह पर जाइएगा तो बेहतर नहीं है, इंडस्ट्री तो मतलब दूर की बात है। तो लगभग स्ट्रगल कर रहे हैं और यहाँ पर अभी नीड है कि आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं और तो आपको बहुत बेटर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन कब, जब यहाँ पर शांति बने रहेगी, यहाँ पर एक अच्छी गवर्नमेंट होगी, यहाँ पर अच्छा एक रूल रेगुलेशन होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां पर पर्टिकुलरली, ताकि वहां पर एक डिस्कस किया जा सके। नहीं होता है कि आपको कोई इशू है तो आप एक रेगुलेटिंग सिस्टम चाहिए ना, आप गए किसी कंट्री में जाकर के आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे कुछ रेगुलेटिंग सिस्टम होगा वहां पर, उससे मिलिएगा कि हमको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। अगर मानिए आप वहां पर गए इन्वेस्ट किए, अगला दिन वहां पर नहीं होता है, नक्सली आया, हमला किया, आपकी जो भी पूंजी है लेकर के 9-11 हो गए, तो हो सकता है कि आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी इशू का प्रॉब्लम चल रहा है। मैं कुछ एग्जांपल के तौर पर लीबिया का स्टोरी मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि मतलब क्या यहाँ पर कैसे तख्ता पलट हुआ, उसको आप पीछे जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा। अब आज कल मैंने कुछ चीजें मैंने शॉर्ट में उस वीडियो में बता दिया था, थोड़ा सा मैं इसको आगे आज आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ जैसे आप देखिएगा ये वाला पार्ट हो गया आपका, ये इसको बोलते हैं हम लोग रेड सी, लाल सागर है, और इसी से जो सीमा जो टच करता है सऊदी अरेबिया है, और सऊदी अरेबिया के नीचे वाला पार्ट जाइएगा तो आपको इसको यमन कहते हैं, और यमन का राजधानी कहाँ है, सना। उसके बाद इसी से सटा हुआ है आपका ओमान, ओमान मतलब उसका कैपिटल है बेसिकली मस्कट, और यहीं पर आप देखिएगा यहाँ पर तो है आपका ओमान की खाड़ी जिसको बोलते हैं, ओमान की खाड़ी यहीं पर, ठीक है। और यहाँ पर ईरान वगैरह कंट्री है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, व्हाटएवर, इसी के पार्लर में यहाँ पर इंडिया है, ठीक है। तो कल यमन का मैंने कहानी आपको बताया था, सऊदी अरेबिया ने क्या किया था, यमन में यहाँ पर कुछ अपने नक्सलियों को भेजा था कि इस यमन के जो नीचे वाला पार्ट है उस पर ये क्या करें, कुछ अपना दायित्व डेवलप करे ताकि इनका कुछ शासन यहाँ पर डेवलप हो जाए। हुआ क्या कि जो नक्सली यहाँ पर भेजे थे, यही नक्सली सऊदी अरेबिया के प्रति क्या किया, रिवोल्ट कर दिया, और जब रिवोल्ट किया, और यहाँ पर एक आइसलैंड है यहाँ पर देखिएगा छोटा सा जिसको बोलते हैं सुकोत्रा, उस सुकोत्रा पर क्या किया, सुकोत्रा को इन्होंने ले लिया। और वहां पर अभी के समय में आप देखिएगा तो सुकोत्रा जो है वो अभी समस्या से घिरा हुआ है, और जो सऊदी अरेबिया वाला जो नक्सलवादी है इस सुकोत्रा पर अभी एस्टेब्लिश किए हुए हैं और अपना शासन कर रहे हैं, व्हाटएवर, ये लगभग मैं एक वहां पहले का न्यूज बता रहा हूँ। ये भी हो गया। तो देखिए यहाँ पर अनकंफर्टेबल जोन है, ये भी अनकंफर्टेबल जोन दिख रहा है आपको, सऊदी वगैरह है। तो आप देखिए जो भी है कि इंटरनेट है, क्या एजुकेशन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है क्या,
बिल्कुल, अगर इंडिया के सापेक्ष में, अगर इनके सापेक्ष में उतना इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आप इनके कंपेयर में थोड़ा डेवलप है, पहले से ही चल रहा है गल्फ कंट्री जो है, और इन लोग का लैंग्वेज भी है यहाँ पर ज्यादा, वो लोग क्या बोलते हैं फारसी वगैरह ज्यादा ये लोग प्रेफर्ड करते हैं यहाँ पे तो। और फारसी से रिलेटेड क्या होता है कि यहाँ पर जो वेस्टर्न कल्चर के जो कंट्री है इन लोगों के चीजें नीट नहीं है, तो यहाँ पर भी 100% आप दिखाने की उतनी जरूरत नहीं है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन यहाँ है और क्या बोलते हैं इंडिया में और चाइना में है उतना तो कहीं नहीं है ना। तो ये तीन पार्ट है सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ। मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया को लेकर के, कल ऑस्ट्रेलिया को लेकर के, यहाँ पर न्यूजीलैंड को लेकर के, न्यूजीलैंड बिल्कुल कम आबादी, न्यूजीलैंड बहुत कम वाली आबादी है, यहाँ आप जा नहीं सकते हैं, टेक्नोलॉजी में बेहतर है, ऑस्ट्रेलिया भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी आगे है यहाँ पे, तो यहाँ भी नहीं जा सकते हैं। तो दो चीजें आपके पास है, यहाँ आप क्या कीजिए कि इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, और जो भी आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है उस एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर कीजिए और अपने आप को डेवलप कीजिए, ठीक है। यहाँ पर अभी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है आप समझ लीजिए, उसके बाद जब यहाँ पर आगे बढ़िएगा, इसको यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर जब आप आगे ये वाला पार्ट जो देखिएगा, शायद आपने नाम सुना होगा यहाँ पर इजराइल जिसको बोलते हैं, इसराइल में भी एक हमेशा कंट्रोवर्सी चलता है, पहले से बहुत सारा समस्या रहता है। यहाँ एक पार्ट है जिसको बोलते हैं गाजा पट्टी, जहाँ मैंने आपको यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है, हुआ क्या है यहाँ पर इसराइल में कि यहाँ पर यहूदी लोग पहले, जैसे वर्ल्ड वॉर के पहले अगर आप जाए तो इसमें हुआ क्या था कि जब ओटोमैन एम्पायर का जब कोलेप्स हुआ, तो कोलेप्स होने के बाद क्या किया कि जो ट्रीटी हुई ब्रिटिश के साथ, तो उन्होंने क्या किया कि भर भर के यहाँ पर धीरे धीरे यहूदियों को बसाना प्रारंभ किया, और यहूदी लोग यहाँ जब बस गए यहाँ पर, समझ लीजिए यहाँ पर, तो थोड़ा सा समस्या यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो गया यहूदियों को लेकर के। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो पार्ट यहाँ फिलिस्तीन का था, यहाँ पर थोड़ा सा फिलिस्तीन वाला पार्ट, इसमें छोटा छोटा पार्ट करके देखिएगा, तो फिलिस्तीन वाले पार्ट में अभी क्या कर रहा है यहाँ पे इसराइल, जो क्या कर रहा है यहाँ पर एक्स्ट्रा जो दूसरे लोग हैं दूसरे जगह से ला करके, एक गाजा पट्टी वाला एरिया हो गया, फिलिस्तीन वाला एरिया हो गया, यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहूदियों को बसाना शुरू कर रहा है। यहाँ पर एक हमेशा नहीं होता कि कंट्रोवर्सी का जोन रहा है, हमेशा शांति रहता ही नहीं है यहाँ पर, तो समझ लीजिए कि क्या यहाँ पर बिजनेस करना बेहतर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसके ऊपर आप जाइएगा यहाँ पर, तो यहाँ सीरिया है, सीरिया में कहानी किसी से भूली नहीं है, वहां पर सबसे बड़ी कहानी क्या है, आईएस आईएस, अभी तो थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि अबू अल अरसद जो है वहां पर मार दिया गया है उनको, और उनकी जो भी सिस्टम है वहां पर कोलैप्स कर गई है। उसके बाद थोड़ा सा जान लेते हैं कि टर्की का क्या कहानी है। अभी टर्की के जब देखिएगा, टर्की का जो वजीर आजम है उनका नाम है अर्दोगन, अर्दोगन नाम है उनका, वहां के प्रेसिडेंट है। तो इनके साथ क्या हुआ था कि लगभग मान के चलिए ये टर्की है आपका, थोड़ा सा ये वाला एरिया यहाँ से बिल्कुल टच करता है यहाँ पर, सॉरी ये वाला पार्ट यहाँ होगा, तो ये वाला पार्ट जो होगा यहाँ इस्तांबुल, यहाँ इस्तांबुल को पहले आप 1493 से पहले इसको हम कस्तुतुनिया के नाम से जानते थे। थोड़ा सा स्टोरी जान लेते हैं कि क्या है टर्की की कहानी। टर्की में हुआ क्या था कि लगभग मान के चलिए कि एक समय था, लगभग टाइमिंग आप देख लीजिए, लगभग 1320 के से लेकर के 1918 के आसपास एक टाइमिंग चलता है जिसको बोलते हैं ओटोमन एम्पायर। एक बहुत ही मतलब अगर मुस्लिम साम्राज्य के लिए देखा जाए तो एक बहुत ही मतलब एक आइडियल, और एक नहीं होता है कि जो भी अचीव करना चाहिए उस टाइप का एक एम्पायर आया, और इसने बहुत बेहतर किया अपने टाइमिंग में, बहुत बेहतर जितना भी वो चीजें किया जाए। और वही था यहाँ पर जैसे बात है 1453 में, और जितने भी क्या बोलते हैं अंपायर होते हैं, एक होता है कि एक सिस्टम चलता है फिर कोलैप्स होने लगता है, लेकिन यह एक ऐसी क्या बोलते हैं अंपायर था ये ओटोमन अंपायर कि पीक पर लगभग 200-300 साल से ऊपर तक चला, मतलब पीक पर आप समझ लीजिए। और कोई भी जैसे आप अपने कंट्री में देखिएगा कि लगभग अकबर आए, उसके बाद जितने होते हैं कि बाबर आए, फिर अकबर के कहानी हुआ, तो एक बढ़ा लेकिन उसके बाद फिर कोलैप्स होना तो शुरू हो गया ना। एक आप कभी भी नहीं देखिएगा कि पीक पर 200 300 400 साल तक चला जाए, ताकि एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो ये चीजें यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी। तो इसी में जब 1493 में एक थे यहाँ के जो सबसे बेहतर अभी तक के एम्पायर माने जाते हैं ओटोमन का, जिनका नाम था मोहम्मद टू, मोहम्मद वो ने मत जाइएगा, वो इनके कंपेयर में वो थोड़ा सा वो भी अच्छे थे लेकिन इनके कंपेयर में थोड़ा सा सबसे मोहम्मद टू। तो मोहम्मद टू क्या किए इस पर कस्तुतुनिया पर आक्रमण किया, और 1493 में यहाँ पर क्या किया,
अपना अधिपत स्थापित कर लिया, और अधिपत स्थापित करने के बाद इसी टर्की में, ठीक है, एक चर्च था जो आजकल चर्चा में है, सोफिया। अब सोफिया कहां, लगभग मान के चलिएगा सिक्स सेंचुरी की बात बता रहा है, सिक्स सेंचुरी की मैं बात बता रहा हूं। सिक्स सेंचुरी में क्या हुआ था कि जो रोमन कैथोलिक्स थे इन्होंने एक चर्च का निर्माण कराया था। जब यहां पर जब ओटोमन अंपायर आया तो इस चर्च को क्या किया, इसको क्या बोलते हैं, मस्जिद में इसको तब्दील कर दिया इसको, ठीक है, वो चला सिस्टम को। जब उसके बाद जब ट्रीटी हुआ ब्रिटिश से ओटोमन अंपायर का, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया फिर से, क्योंकि ब्रिटिश लोग हैं वो क्या क्रिश्चियन होते हैं, और इन्होंने क्या किया उसको फिर से क्रिश्चियन जो अपना जो अभी का जब देखिएगा यहाँ पर चर्च के तौर पर यहाँ पर बना दिया इसको, चर्च बन गया। फिर अभी के समय में आप देखिएगा जो आपको अर्दोगन साहब जो है इसको अभी क्या कर रहे हैं, इस चर्च को फिर मस्जिद बनाने की घोषणा कर दिए, जिसका अपोज क्या बोल रहा है ये वाला कर रहा है लोग, क्या बोल रहे हैं यूरोपियन कंट्री कर रहा है लोग। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा एक और जब चर्चा हो रहा है तो थोड़ा सा और टर्की आने जान लीजिए। टर्की में हुआ क्या था कि लगभग मान के चलिएगा अभी कुछ समय पहले के लिए, कि लगभग 2008 के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2008 के पहले ये हुआ था कि लगभग ये बिलीव करते थे इनमें यूरोपियन कंट्री में, जो भी कहते थे वो मानते थे, और यूरोपियन जितने भी कंट्री थे इन्होंने जो भी बोला कि आपके अंदर पर किसी प्रकार का समस्या नहीं आना चाहिए, किसी की हत्या नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कोई ब्रूटली बिहेव नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना चीज को, तो जो भी चीजें था इन्होंने पूरा फुलफिल किया, बकायदा इनको अपने नाटो के मेंबर में भी सम्मिलित किया। लेकिन बात क्या हुआ यहाँ पे आप देखिएगा कि 2008 के बाद इन्होंने मेंबर बनने की यूरोपियन यूनियन की मांग की, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने इनको शामिल नहीं किया। फिर क्या हुआ, इनको एक ट्रस्ट खत्म हो गया इन लोगों के ऊपर, और फिर इन्होंने इधर बिलीव करना स्टार्ट कर दिया, मतलब मान के चलिए आपको गल्फ कंट्री जो है यहाँ पे इस्लामिक कंट्री जो है उस पर हो गया, मतलब इधर जो भी है इस पर इन्होंने अपना रिलेशन बेहतर करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको लग गया कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर जब कहानी जब डेवलप हो जाता है यहाँ पर, तो उसके बाद मान के चलिए कि 2008 में जो अर्दोगन साहब है, इनका नाम है अर्दोगन, और इनकी जो पार्टी है इनका नाम है एके पी पार्टी है इनका। इस एके पी पार्टी में इन्होंने क्या किया कि चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद जब ये प्रेसिडेंट बने, और प्रेसिडेंट बनती है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको उन्होंने बिल्कुल से खत्म कर दिया, और वहां का जो प्राइम मिनिस्टर था उसका जो वहां का रोल होता है उसको खत्म कर दिया, और पूरे यहाँ पर अपना अधिपत स्थापित कर लिए। और नहीं होता है कि इन द सेंस आप समझ लीजिए कि अभी के समय में भी हुआ था कि जब 2016 में जब एक तानाशाह के टर्म में डेवलप होना शुरू हो गया क्या बोलते हैं टर्की और दोगन के नेतृत्व में, तो यहाँ के जो कुछ बुद्धिजीवी लोग थे जिसको नहीं होता है कि तख्ता पलट करना, कूप करना, बहुत सारा वर्ड यूज किया जाता है, ताकि अभी आप देखिएगा पाकिस्तान में कितना बार तख्ता पलट हो गया है, तो तख्ता पलट करने की कोशिश की गई, लेकिन अर्दोगन ब्रिलियंट आदमी थे, उन्होंने उसको समझ लिया और एक एक लोगों को पकड़ के किसी को जेल में डाल दिया, किसी को मरवा दिया, तो ये कहानी 2016 के बाद से थम गई। अभी पाकिस्तान में कहानी थोड़ा सा बताते हैं इस चीज को लेकर के, देखिएगा तो पाकिस्तान में अभी जितना भी इलीगल काम कर रहा है तो यहाँ पर टर्की पूरा सपोर्ट करता है यहाँ पर इनका, फिर चाइना इनको सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर कुछ जो वर्ल्ड का जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि मतलब जब भी पाकिस्तान को जब पूरे कंट्री मिलकर घेरते हैं तो ये क्या करते हैं, चाइना और टर्की सपोर्ट कर देते हैं, जिससे होता है कि पाकिस्तान भाई निकल जाते हैं, बच जाते हैं, आई होप समझ पा रहे। तो मेरे कहने का मतलब ये है आप लोग के समक्ष कि इतना कंट्रोवर्सी, इतनी समस्या चल रहा है, बताइए अब यहाँ पर क्या सीरिया में कोई इन्वेस्ट करने के लिए जाएगा, क्या टर्की में कोई इन्वेस्ट करने के लिए जाएगा, क्या हम आपसे पूछ रहे क्या इजराइल में कोई यहाँ पर जाएगा, हम आपसे पूछ रहे क्या तालिबान में कोई यहाँ पर जाएगा, क्या यहाँ पर और अफगानिस्तान में कोई यहाँ पर मतलब कोई डेवलपमेंट करने के लिए जाएगा, नेवर, कभी नहीं हो सकता। तो आपके पास क्या ऑप्शन है, बस अगर मेरी बातों को अगर आप समझ रहे हैं तो आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि क्या अभी मकसद है, क्या कहानी है। तो लगभग आप लोग की बातें समझ में आ गई होगी, अब थोड़ा सा समअप करके और वीडियो को समाप्त करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद भी आया होगा।
देखिए एक चीज तो मैं भूल गया बताना, चलिए अगर आप करंट अफेयर को अपडेट कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, बता दीजिए। जैसे ये हो गया आपका अलास्का, ठीक, ये अलास्का हो गया, यहाँ पे एक कनाडा आपका हो गया, जैसे यहां पर हम मानते हैं यूएसए है यहां पर। तो अभी एक ब्लैक मैन का डेथ हुआ है, मारा गया है वहां पर, जो पुलिस मैटर हुआ था, तो वहां पर कुछ यहां पर यूएसए के कुछ नक्सली थे। उस नक्सली ने यूएसए के कौन से पार्ट पर अपना फ्री नहीं होता है कि अनाउंस कर दिया कि ये मेरा एरिया पार्टिकुलर होगा, इसमें हमको गवर्नमेंट से कुछ नहीं करना है, और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा था और उनको लिखित टर्म में देना पड़ा था, वो कौन सा एरिया है, यहां पर आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अब हम बात करेंगे यहां पर कि आखिर कहानी क्या हो रही है। अब देखिए, अब थोड़ा सा लास्ट कहानी पे आ जाते हैं। अब देखिए, गूगल इंडिया में ही क्यों, अब इतना तो बात तो सब हो गया, गूगल इंडिया में ही क्यों, अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला, लगभग हमारी 1.35 लगभग मान के चलिए अरब के आसपास हमारी क्या है, आबादी है। इस आबादी का लगभग मान के चलिए कि लगभग 50 करोड़ जो लोग हैं 4G यूज करते हैं फोन, और जब 4G यूज करते हैं तो इनको क्या चाहिए, इंटरनेट, और इंटरनेट का माध्यम क्या है, गूगल। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि लगभग इसमें से हमारी जो एक बहुत मात्रा में जो हमारा जो कंट्री है, लगभग लगभग जितना हम लोग 4G यूज करते हैं, इससे लगभग मान के चलिए कि 1.5 टाइम्स ज्यादा लोग 2G पर अभी डिपेंड है। तो जो आपको याद दिलाता हूँ, जो यूएसए के साथ जो अभी और रिलायंस के साथ जो मैटर चल रहा है, वार्तालाप जो भी साइन हुआ है, तो उस पर ये भी है कि मतलब नहीं होता है कि जियो और गूगल मिलकर एक मोबाइल फोन बनाएंगे और इसको यहाँ पर अपना पकड़ मजबूत बना देंगे, समझ रहे हैं ना, ताकि यहां से आपको भी मिल जाए और ये जो 2G पर हैं ये लोग भी मजबूर हो जाए और इंटरनेट का यूज करें, ठीक। दूसरा ये चीज है यहां पर कि फेसबुक हो गया आपका, अब प्लस जियो एक इंडिया के लिए लार्ज नेटवर्क है, ठीक। फेसबुक के पास क्या है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम। दूसरा ये चीज है कि फेसबुक जो है हमेशा गूगल और फेसबुक एक दूसरे के सामने आते ही नहीं है, समझिए तो इक्वल चीजें होती है तो कभी बनता नहीं है। तो एक और बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अगर नहीं होता है कि किसी माध्यम के दृष्टिकोण से अगर दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो दोनों के लिए बेटर हो सकता है यहाँ पर। और एक नहीं होता है कि कॉम्पिटिशन भी डेवलप होता है इंसान के अंदर, देख करके ये डेवलप कर रहा है तो हम भी डेवलप करें। तीसरा यहाँ पर हम बात कर लें क्या और हो सकता है कि देखिए, हाँ, चाइनीज जो है यहाँ पर, चाइनीज एप्स जो है यहाँ पर इंडिया में क्या है, बैन हो गए हैं। जब बैन हो गए हैं तो कहीं ना कहीं गूगल को, अमेजन को, ये सारी जो भी कंपनियां हैं उनको भी ये चीजें लगेगा कि कहीं ना कहीं इसका फायदा हम लोग उठाया जाए, क्योंकि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारी चीजें हो गया, ट्विटर हो गया, ये लोग चाइनीज आने नहीं देते हैं, और चाइनीज लोग जितने हैं इनका जैसे हम ट्विटर है उस टाइप का अपना वो लोग अपना बना कर रखते हैं स्पेशल एप, ताकि नहीं होता है कि उनका जो भी इंटरनल बातें हैं वो शेयर नहीं हो पाता है। यही कारण है कि लगभग कोविड की इतनी उन्होंने अभी नहीं होता है कि पकड़ बना कर रख लिया और आज तक एक्चुअल डेटा किसी के सामने नहीं है, क्लियर। उसके बाद ये होता है कि एक्सपीरियंस, जो मैंने पूरे वर्ल्ड का मैप बताया था उसका समूह इसमें। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि गूगल का यहाँ पर मत क्या है। तो मेरा ये मोटो था इस वीडियो को बनाने को लेकर के कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो गूगल जो है, फेसबुक जो है, अमेजन जो है, वॉलमार्ट जो है, क्यों इंडिया में आ रहे हैं, समझिए इस चीज को, क्यों आ रहे हैं। तो उसको पूरा मैंने सॉल्व किया है एक दो वीडियो के माध्यम से, अगर इस चीज को आप समझ लेते हैं, परख लेते हैं, तो आपको एक बेहतर आइडिया आपको देखने को मिलेगा।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और पूरा जो भी है मैंने इंटरनेशनल रिलेशन को पूरे रिलेट करके बताया कि ताकि आप लोग पूरे नहीं होता है कि एक वर्ल्ड मैप को अच्छे से समझ पाए, अगर इसके बाद आप मैप देखते हैं तो बहुत आसानी से आप इस चीज को समझ पाएंगे। तो और दूसरा, चलिए एक अगर आप दोनों वीडियो देखें तो आपसे एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा कि क्या भारत जैसे देशों के लिए गूगल और क्या गूगल फेसबुक और अमेजन जैसी कंपनियों का इन्वेस्ट करना कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है तार्किक दृष्टिकोण से सकारात्मक पहलू पर अपना क्या अपना सहमति सहमति देते हुए अपना चर्चा करें। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा आप अपना से जो भी होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा पसंद आया होगा और इसमें